बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अय्या का नाबुद अय्या का नस्ताईम। मुझे एज ए लाहौर सदर बड़ा दुख हुआ कि जब हमें मीनारे पाकिस्तान वेन्यू नहीं दिया गया तो मुझे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब सलमान अकरम राजा ने कहा कि फिक्र ना करो, हमारा जलसा किस कॉर्नर में भी हो, किस नुक्कर में भी हो, वो भर जाएगा। मैं सबसे कहूंगा कि ये देखो एक जलसा है और रिंग रोड पे देखो, जहां तक नजर जाती है वहां तक इंसानों के, इमरान खान के चाहने वालों के सर ही सर नजर आ रहे हैं। अभी मैंने एक ड्रोन देखा, मैं ड्रोन वालों को कहूंगा कि इधर 5 किलोमीटर और उधर फिरोजपुर रोड पे, काना रोड पे 10-10 किलोमीटर ड्रोन चला दो, तुम्हें हर जगह इमरान खान का सिपाही, इमरान खान का चाहने वाला नजर आएगा। और मैं पिछले 2 साल से ये जो वर्कर ने एक अस्थायियत का मुकाबला किया है, शायर ने उसके बारे में कहा, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आखी से न टपका तो लहू क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर एक रगों में दौड़ता हुआ वो खून है कि जो कहीं भी जलसा होगा, पाकिस्तान के किसी कोने में होगा, बलूचिस्तान में होगा, केपीके में होगा, लाहौर में होगा, पिशावर में होगा या फिर आजाद कश्मीर में होगा, वो भर दिया जाएगा। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म कर देंगे, मैं ये कहना चाहता हूं जिस पार्टी में मियां महमूद रशीद हो, जिस पार्टी में एजाज चौधरी हो, जिस पार्टी में उमर सरफराज चीमा हो, डॉक्टर यासमीन राशिद हो, आलिया हमजा हो, सनम जवेद हो और इस तरह के लाखों लोग हो, मियां अकरम उस्मान हो और तरह के कई लोग हो, क्या तुम उस पार्टी को खत्म कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। और लाहौरियों, क्या इमरान खान को छुड़वाना है? आवाज सही नहीं आई, इमरान छुड़वाना है? अड्डियाला चलिए, रबे काबा की कसम, अगर इमरान खान ने हमें पुरअमन रहने का नहीं कहा था तो आज ही हम अड्डियाला की तरफ ले जाते, इमरान खान को निकालते और उसको वजीर आजम बनाते। बहुत शुक्रिया।